एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क राइट एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन लिखें फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क क्लर्क की पोस्ट के लिए इन द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में ए बी सी सिटी सिटी का नाम कोई भी हो सकता है ए बी सी लिखा हुआ उन्होंने पहले अपना एड्रेस लिखना है एक्स वाई जेड एनक्लेव एसी सिटी डेट रिसीवर का जिसे हमने एप्लीकेशन लिखनी है द डिप्टी कमिश्नर करनाल किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जॉब ऑफ अ क्लर्क सर आई हैव कम टू नो कम टू नो यानी कि पता चला आई हैव कम टू नो मुझे पता चला है दैट कि द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क क्लर्क की एक पोस्ट इज लाइंग वैकेंट वैकेंट है खाली है इन योर ऑफिस आपके ऑफिस में आई बैक टू ऑफर माई सेल्फ मैं खुद को ऑफर करता हूँ एज अ कैंडिडेट फॉर द दिस जॉब इस जॉब के कैंडिडेट के तौर पे प्रतिद्वंदी के तौर पे आई पास्ट मैंने पास की माई मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी कि टेंथ की एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा यानी कि हरियाणा बोर्ड से इन टू थाउजेंड टू में आई ऑपटेन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी मार्क्स मुझे मिले थे सात सौ बीस नंबर आई हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ऑल्सो मुझे कंप्यूटर्स पर काम करने की नॉलेज भी है एट प्रेजेंट इस समय आई एम वर्किंग इन अ स्कूल मैं एक स्कूल में काम कर रहा हूँ माई फ्यूचर मेरा भविष्य इज़ नॉट ब्राइट हेयर यहाँ पे ब्राइट नहीं है इसलिए आई वॉन्ट टू लीव दिस जॉब मैं यह जॉब छोड़ना चाहता हूँ आई एम अंग मैन ऑफ ट्वेंटी वन मैं इक्कीस साल का जवान आदमी हूँ आई अ साउंड हेल्थ मेरी हेल्थ अच्छी है इफ आई एम सेलेक्टेड अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ आई शेल सेटिस्फाइड मैं संतुष्ट करूँगा माई सीनियर्स मेरे सीनियर्स को विद माय वर्क एंड कंडक्ट अपने काम और आचरण से कंडक्ट होता है आचरण योर फेथफुली आगे खुद का नाम